हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी घर में किन भगवानों की मूर्तियां नहीं लानी चाहिए। हर व्यक्ति सुख शांति और समृद्धि के लिए घर में भगवान की मूर्ति लाकर रखता है, उनकी पूजा करता है। सभी के घरों में कई प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति होगी, उनकी तस्वीरें होंगी, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ देवी देवता की मूर्तियाँ मंदिर में ही होनी चाहिए, घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए। इनके घर में होने पर सुख समृद्धि आने की बजाय घर से चली जाती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो देवी देवता जिनकी मूर्ति घर पे नहीं लानी चाहिए। शिवलिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग शून्य और वैराग्य का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो पारद का या फिर अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। भैरव की तस्वीर। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप हैं भैरव, इनकी मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण ये है कि भैरव एक तामसिक देवता हैं, तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है, इसलिए घर में भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भैरव को प्रसन्न रखने के लिए 8 वर्ष से छोटे बालक को भोजन कराया जा सकता है। नटराज की मूर्ति। भगवान शिव का ही एक अन्य रूप नटराज है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाली शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है, इसलिए नटराज की मूर्ति घर में नहीं लानी चाहिए। शनि देव की मूर्ति। शनि ग्रह की शांति के लिए शनि की पूजा आराधना की सलाह ज्योतिष शास्त्र देता है, लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह ज्योतिष शास्त्र नहीं देता। शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए शनि महाराज की मूर्तियों को घर में नहीं लाना चाहिए। राहु की मूर्ति। राहु की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र में राहु की पूजा करने की सलाह दी जाती है, लेकिन राहु की मूर्ति घर में लाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह होने के साथ ही पाप ग्रह भी है। ये मूल रूप से एक असुर है। इनकी पूजा इन्हें घर परिवार से दूर रखने के लिए की जाती है। केतु की मूर्ति। केतु भी उसी प्रकार का ग्रह है जैसा कि राहु, क्योंकि दोनों ही एक असुर के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इसे भी छाया ग्रह और पाप ग्रह के रूप में बताया गया है, इसलिए केतु की प्रतिमा भी घर में नहीं लानी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है घर में किन भगवानों की मूर्ति नहीं लानी चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।